हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक नाउ सीएनए तृप्ता क्लासेस। तो बहुत सुपर्ब सी एक न्यूज है आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको एक चीज समझनी है, द बेनिफिट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। तो रीस्ट्रक्चरिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। तो अगर मैं यहां पे कंसीडर करूं तो हम कौन कौन से एस्पेक्ट कंसीडर करेंगे, और उससे आपको काफी अच्छी चीज पता चलेगी। एक तो लॉ, ठीक है जी, तो लॉ के कारण बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण आप रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो। अब देखो, समझो, सोचो एक छोटी सी चीज। सब कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, अरे भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, अरे भैया कॉस्टिंग का पार्ट है, अरे भैया एसएफएम का पार्ट है। बिल्कुल सही बात है, एसएफएम का पार्ट है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसकी जो जड़ है वो लॉ है। आओ देखो, फटाफट से देखते हैं क्या करा डेलॉइट ने, क्या करा अर्नेस्ट एंड यंग ने, और क्यों करा। तो डेलॉइट एक्सप्लोर्स स्प्लिटिंग ऑडिटिंग एंड कंसल्टेंसी आर्म्स फॉलोइंग अर्नेस्ट एंड यंग। अब देखो, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं। लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं कि भैया अगर आप किसी की ऑडिटर हो तो आप उसको बहुत सारे मैटर्स में कंसल्ट नहीं कर सकते या अदर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एमएनसीज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो तो आप उसके ऑडिटर नहीं 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 बन सकते। ऐसी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई लॉ ने। तो ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, इन फर्म्स ने देखा कि यार हम सारा का सारा काम एक ही नाम से करते हैं, एक ही नाम से हम करते हैं, जिस वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स का काम हमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि या तो हम उसके कंसल्टेंट्स या अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हम उसके स्टैचुरी ऑडिटर बन सकते हैं। अगर हमें स्टैचुरी ऑडिटर भी बनना है और हमें बाकी सारे काम भी करने हैं, तो इसके लिए दो सेपरेट आइडेंटिटीज होनी कंपलसरी हैं, ठीक है। तो ई एंड वाई ने सबसे पहले अपने आप को सेपरेट किया ताकि उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर बने और एक ऑर्गेनाइजेशन बाकी सारी काम करे, जिससे उसका रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाए, डबल हो जाए। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इस रीस्ट्रक्चरिंग की वजह बना लॉ, क्योंकि आपके पास लॉ है कि अगर आप किसी को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो आप उसके स्टैचुरी ऑडिटर नहीं बन सकते, तो दोनों में से कोई एक काम आप पकड़ सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये अभी जो ये बड़ी बड़ी बिग फोर्स थी, ये बहुत सारा काम आउटसोर्स करती थी बहुत सारी सीए फर्म्स को। तो जब ये स्प्लिट कर देंगी तब बहुत सारा काम ये अपनी ही ऑर्गेनाइजेशंस में परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, जिससे आउटसोर्सिंग कम हो जाएगी। तो बहुत सारी सीए फॉर्म्स पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जो अभी इनके आउटसोर्स पे जिंदा थी काफी ज्यादा, उनका रेवेन्यू उस चीज पे डिपेंड करता था, तो आने वाले टाइम पे उस चीज पे फर्क पड़ेगा। और दूसरी चीज, बिग फोर और भी बिग होने वाली है। आहा, चलो जी, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब आपने देखा कि रीस्ट्रक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों रीस्ट्रक्चरिंग करी गई है, क्या लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या अड़चन थी जिसकी वजह से रीस्ट्रक्चरिंग या स्प्लिट ऑफ किया गया है। तो ये जो बिजनेस को स्प्लिट ऑफ किया गया है, इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुली हैं, इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल होने वाला है, डबल। तो ऑब्वियस सी बात है, काम करने वाले लोगों की भी ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, कुछ ना कुछ तो नीड बढ़ेगी, 101% नीड बढ़ेगी। तो अब बिग फोर में ज्यादा वैकेंसीज हुआ करेंगी, तो ध्यान रखो, तो आप भी उसी हिसाब से प्रिपेयर करो कि और ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं, क्योंकि इनका टर्नओवर बढ़ने वाला है, काम बढ़ने वाला है, तो वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा होने वाली हैं। हाँ, छोटी छोटी फर्म्स में जिसको ये आउटसोर्स किया करते थे, वहां पे ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, आपको इस चीज को भी सोचना समझना पड़ेगा। तो उन सीए फर्म्स को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जो अभी तक आउटसोर्स पे जिंदा थे। चलो जी, तो बहुत सुपर्ब सी न्यूज थी, तो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा स्प्लिट एकदम, और फिर इनका जो ऑडिटिंग टास्क है वो अलग हो जाएगा, ऑडिटिंग से रिलेटेड जो इनकी फॉर्म्स हैं वो अलग हो जाएंगी, और जो अदर फैसिलिटीज, जो अदर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, वो अलग हो जाएंगी, ताकि वो आपस में क्लैश ना करें और इनका टर्नओवर, इनका रेवेन्यू, इनका प्रॉफिट डिक्रीज ना करे। तो अब बम्पर सेल होने वाली है, बम्पर रेवेन्यू, बम्पर प्रॉफिट होने वाला है। तो बिग फोर और बिग होने वाली है, और आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली है। चलो जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय। तो आपने सीखा, क्या सीखा, लॉ बहुत बड़ी जड़ होती है रीस्ट्रक्चरिंग की।
तो आपको रीस्ट्रक्चरिंग के बेनिफिट्स आते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग करनी आती है, उसके सिनर्जिक इफेक्ट्स कैलकुलेट करने आते हो, बहुत अच्छी बात है, आपका SFM स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा सा लॉ भी स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि जब तक वो दोनों मिलेंगे नहीं तब तक 100% होगा नहीं। आहा चलो जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, आपके सामने लेके आते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।